हे गाइस, ये कहानी है एंड दिस स्टोरी इज़ अबाउट स्तुति खंडवाला फ्रॉम सूरत गुजरात. एंड शी फर्स्ट ऑफ ऑल गॉट इन टू MIT एंड हर ऑल इंडिया अचीवमेंट्स एंड द लिस्ट इज सो लॉन्ग कि मैं सारी अचीवमेंट्स के बारे में बात करना शुरू कर दूँ तो ये वीडियो कभी ख़त्म होने ही नहीं वाली. सो शी इज़ प्रॉडजी, शी इज़ गॉड गिफ्टेड चाइल्ड इन इंडिया एंड इंडिया इज़ प्राउड ऑफ हर. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड. So let's talk about her achievements. So first of all, she got into MIT. That's the best university for sciences and also for physics, chemistry, math and engineering. And also she got accepted to Caltech, jo hai California Institute of Technology. Wo bhi hai around top 4 in the world. So iske alawa in India, she had 98.8% in her class 12 boards, jo ki the Rajasthan board mein. And in NEET exam, she got the rank of 71. AIIMS, she got rank of 10. In JEE mains, her rank was 1086, and she scored 99.1%. So that's a huge achievement. And other than that, she got in JIP MER, her rank was 27 एंड नीट के एग्जाम में उसका रैंक था 71. सो उस इतनी सारी अचीवमेंट्स है, इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स है, शी कुड हैव गॉट इन टू एम्स एंड ऑल्सो बेस्ट इंजीनियरिंग स्कूल्स इन इंडिया, बट वाई शी प्रेफर टू गो टू MIT. एंड उसका आंसर है, एंड आंसर इज प्रेटी मच सेम एज आई मेंशन इन दिस वीडियो, जो कि थी स्टोरी IIT JEE एडवांस टू जर्मनी. यू कैन चेक दैट आउट एज वेल. सो द आंसर इज दैट शी वॉन्टेड टू डू फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो. शी डिडंट वॉन्ट टू डू आइदर इंजीनियरिंग और मेडिकल, शी वॉन्टेड टू डू बोथ. तो मतलब शी वॉन्टेड टू डू मिक्सचर ऑफ बोथ. पर इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाना है, यू कैन आइदर चूज इंजीनियरिंग और मेडिकल. तो मतलब एम्स है ज़्यादा मेडिकल के लिए, MBBS डॉक्टर बनने के लिए एक्सेट्रा. एंड इंजीनियरिंग स्कूल्स लाइक IITs आर ओनली फॉर इंजीनियरिंग. तो ये बहुत प्रॉब्लम है. एंड ऑल्सो अगर आप IIT में चले भी जाते हो तो भी आपको अपनी स्ट्रीम, द स्ट्रीम यू वॉन्ट टू चूज, यू गेट बाई योर रैंकिंग. सो दीज आर सम कॉन्स ऑफ आर इंडियन एजुकेशन सिस्टम. एंड ऑल्सो देर आर लाइक वेरी लेस ऑल राउंडर यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप दोनों कर सकते हो. तो दैट्स वाई शी कुडंट चूज अ यूनिवर्सिटी इन इंडिया. सो दैट्स वाई शी चूज MIT. दैट्स द बेस्ट. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ शी गॉट इन टू MITs. और आप सोचोगे कि मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं खुद MIT में तो गया नहीं, मैं ना आईवी लीग्स में गया ना MITs में गया, हाउ आई एम क्वालिफाइड. बट बैक इन माई हाई स्कूल आई विल से बूथ कि मैंने टॉप यूनिवर्सिटी लाइक जॉर्जिया टेक, UC बर्कली, आई डिड अप्लाई एंड माई फ्रेंड ऑल्सो अप्लाइड. आई डिड नॉट गेट इन एंड ही गॉट इन. सो आई एग्जैक्टली नो वॉट माई प्रोफाइल हैड and my friend's profile did not have. So that's why मैं पूरा qualify करता हूँ to tell you this information. So now basically process is same. तो आपको top university में जाने के लिए चार चीज़ें चाहिए. These are the four important things that you need to either to get into Ivy Leagues or MIT or any top university. And the number one is scores. And yes, she had exceptional score in her SAT exam and that was close to 1600. She said that she got nearly 100% in APs, SAT subject tests, SATs and even more exams like TOEFL, IELTS, etc. So for SAT you must have 1500 plus score out of 1600 as an international student, and she got nearly 100%. And also SAT subject test is recommended for Ivy Leagues and MIT, etc. And number three is that you should also take AP. So AP extracurricular count kiya jata, so AP should be taken as well. And I also took AP and with the help of that, I'm graduating early. And other than that, she must have taken TOEFL, IELTS, and she must have got 100 plus in TOEFL. So that's I'm pretty sure about that. If she could score that well in SAT, then uski TOEFL score bhi bahut achhi hogi. Number two important thing is do not be an all-rounder. Kyunki India mein hume kehte hain ki all-rounder baro, har cheez karo, cricket bhi khelo, sports bhi khelo, programming bhi karo, padhai bhi karo, do everything. And पर मैं आज आपको कह रहा हूँ डू नॉट बी एन ऑलराउंडर, बिकॉज ऑलराउंडर के दो मीनिंग्स हैं. वन, डू एवरीथिंग एंड मीडियोकर लेवल पे करो. एंड दूसरा मीनिंग ऑलराउंडर का है कि चूज वन थिंग, चूज वन एक्स्ट्रा करिकुलर एंड उसे उस लेवल पे करो. डू इट एट दैट लेवल, गिव योर 100% कि पूरा नेशन हिल जाए, दैट यू आर दी बेस्ट इन योर कंट्री, इन योर नेशन, एंड यू मेक योर कंट्री, स्पेशली लाइक इफ यू आर फ्रॉम इंडिया, देन मेक इंडिया प्राउड. सो दैट शुड बी योर गोल. एंड That's what she did as well. So first of all, her first best national achievement was that she won the National Child Award on the Children's Day, November 14 to 2016. So 2016 mein she was represented and usse award mila in front of Narendra Modi, our Prime Minister. To uske samne usse award mila, and that was one of the biggest achievement. And number two was she won silver medalist for International Biology
ओलंपियाड. सो बैक इन 2017 जब वो 10th क्लास में थी तब उसे ये अवार्ड मिला. एंड दीज टू बिग अवार्ड्स आर एक्चुअली इनफ टू गेट इनटू एमआईटी. बट ओ माय गॉड, जस्ट चेक हर वेबसाइट, द लिस्ट इज सो ह्यूज दैट द लिस्ट ऑफ अवार्ड्स शी वन नेवर एवर एंड्स. तो आप चेक कर सकते हो उसकी वेबसाइट में जाके. एंड ऑल्सो शी हैज अ यूट्यूब चैनल, सो डू फॉलो हर. नाउ द नंबर थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिक्वायर्ड टू गेट इन टू दीज यूनिवर्सिटीज इज एसे. तो काफ़ी लोग गलती ये करते हैं कि एसे, इन एसेज दे लाइक रिप्रेजेंट देमसेल्व्स एंड दे ट्राई टू प्रूव देमसेल्व्स दैट आई एम ऑलराउंडर, आई एम दिस, दे यूज आई वर्ड. बट नाउ आई एम गोना से कि आपको अपनी तारीफ करनी है, यू हैव टू अप्रिशिएट योर सेल्फ विदाउट यूजिंग लाइक विदाउट ब्रैगिंग योर सेल्फ. मतलब अपनी तारीफ करनी है, आई एम दिस. यू हैव टू फोकस ऑन वन गोल एंड दैट्स वॉट शी डिड. सो शी क्लियरली मैंशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शी डिडंट वॉन्ट टू डू आइदर इंजीनियरिंग एंड ना कि मेडिकल. सो दोनों को मिक्स करना चाहती थी. सो दैट्स वाई शी चोज MIT, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, all of these four programs are the best in MIT. So usne bhi yahi likha, she said that I want to fix the mental problem, Alzheimer, mental illness in India, aur use affordable level pe Indians ko अवेलेबल करना चाहते हैं. क्योंकि जिन्हें भी अल्जाइमर इन इंडिया हो जाता है, जैसे कोई भी मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, ट्यूमर निकल आता है, तो उनका खर्चा बहुत बहुत ज़्यादा होता है. दे हैव टू स्पेंड लाइक 3 to 10 lakh रुपीज ऑन देयर हेड एंड मेंटल इलनेस एक्सेट्रा, एंड नॉट एवरी इंडियन कैन अफोर्ड दैट. एंड शी गेव द सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम इन हर एसे. एंड ऑब्वियसली दिस एसे इज स्टैंडिंग आउट इन द क्राउड, तो मतलब उसका एसे बेस्ट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विद दिस एसे शी प्रूव्ड कि उसने इंडिया, अपनी कंट्री जहाँ से वो है, उसे बेटर करना चाहती है. तो नंबर वन कि शी वॉन्ट्स टू गो बैक टू इंडिया एंड शी इज़ कमिंग टू US फॉर एजुकेशन. तो ये पॉइंट उसने प्रूव किया. नंबर टू दैट शी एक्चुअली वॉन्टेड टू डू समथिंग इम्पैक्टफुल, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. तो ये दो चीज़ें उसके एसे में थी. दैट्स द बिगेस्ट रीजन शी गॉट इनटू MIT एज वेल. एंड नाउ नंबर फोर इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, समथिंग एक्स्ट्रा करिकुलर. तो उसने एक्स्ट्रा करिकुलर क्या किया, जैसे कि अचीवमेंट्स लाइक क्रिकेट, स्पोर्ट्स, स्पेशली इन स्पोर्ट्स. तो इन स्पोर्ट्स शी हैड अचीवमेंट इन डांसिंग. सो दैट्स extra curricular actually. So in her statement she said that she did 6 years of practical training in classical dancing, aur usne kafi theoretical aur practical test diye, and she qualified all of those dancing tests either with distinction or in first class. To matlab har cheez usne apna 100% diya. Ek cheez chuni, 100% move forward. Padhai chuni, 100% move forward. To itne exams diye, I can't even imagine myself taking those like that many exams. To matlab main hairan ho gaya matlab uski profile dekh ke. And you should get motivation from her. She is the best in the country right now. Matlab maine kabhi bhi इतनी अच्छी प्रोफाइल किसी भी लड़की के नहीं देखी. सो दीज वर द फोर रीजंस. एंड नाउ टेक अ लुक एट हर लाइक अचीवमेंट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर अवार्ड्स. मतलब ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होने वाली. दीज आर द लिस्ट ऑफ अवार्ड्स शी हैज. तो दिस लिस्ट इज नेवर गोना एंड. सो नाउ द कंक्लूजन इज, इफ यू वांट टू गेट इनटू MIT एंड अगर आप भी जाना चाहते हो अब्रॉड, तो आप अपनी ओरिजिन, अपनी इंडिया को कभी नहीं भूलना. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री एंड योर गोल इज टू मेक योर कंट्री बेटर एंड कम बैक टू योर ओरिजिन. और आई मीन नॉट नेसेसरली कम बैक, बट लाइक अपनी कंट्री को कभी नहीं भूलना. और द इम्पैक्ट should be the biggest. अपनी कंट्री को नहीं बोलना क्योंकि that is also important for visa and immigration issues. Then you have to promise that, like you have to give evidence कि आप वापस आ रहे हो. So that's for visa. And अगर आप visa जाओगे और MIT कहोगे तो कोई आपको deny नहीं करने वाला. And now let's move forward with the next point I forgot about, that is ट्यूशन फी. सो MIT गिव्स नीड ब्लाइंड स्कॉलरशिप्स टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. तो डिपेंडिंग ऑन योर सैलरी, मतलब अगर आपके पेरेंट्स ज़्यादा कमाते हैं तो ज़्यादा पे करोगे, कम कमाते हैं तो कम पे करोगे. तो उसकी फैमिली की सैलरी, ही इज़ फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, सो सैलरी वॉज ओके. सो दैट्स वाई शी गॉट 90% स्कॉलरशिप. अगर आपकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा है तो 80% डिपेंडिंग ऑन दैट. सो MIT's ट्यूशन फी ईयरली इज $50,000 पर एनम एंड शी गॉट 90% स्कॉलरशिप. सो शी विल बी पेइंग $5,000 पर ईयर. तो $5,000 बनते हैं 7 × 5 = 35, 3.5 lakh. सो 3.5 lakhs पर ईयर और बाकी होगा रहने खाने का खर्चा. सो 5 to 7 lakh आप समझ सकते हो ईयरली एक्सपेंसिव. और इट कुड बी लेस इफ शी गॉट लाइक स्कॉलरशिप्स फॉर हाउसिंग एज वेल. सो मतलब 3 to 7 lakh का खर्चा. एंड दिस इज़ प्रेटी मच फॉर IITs एज वेल. तो IIT का भी खर्चा आजकल 2 lakh है. सो इट्स नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस इफ यू टेक लोन. आई हैव एक्चुअली ऑलरेडी मेड द लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज वेर यू कैन स्टडी फॉर फ्री यूजिंग नीड ब्लाइंड एंड नीड अवेयर स्कॉलरशिप. सो द वीडियो लिंक इज हियर, मेक श्योर टू चेक दैट आउट एज वेल. सो दैट्स प्रेटी मच इट. एंड इंडिया इज वंस अगेन प्राउड ऑफ हर. एंड मैंने कभी भी इतनी अच्छी प्रोफाइल नहीं देखी. एंड यू शुड डेफिनेटली विजिट हर वेबसाइट एंड ऑल्सो हर यूट्यूब चैनल. एवरी इन्फॉर्मेशन इज ऑन दैट. So thank you so much for watching and I will see you guys in the next one. Goodbye.
We'll be right back.